अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि यहाँ पूरी यूनिवर्स देख लिया था। यहाँ उस ऑफिसर से बोलता है, शांत हो जाओ सुंदर लड़की, सही में मैंने नहीं देखा पिंक लेस वाला पैंटी जो तुमने पहनी है। फिर वो ऑफिसर गुस्सा होकर यान को एक मुक्का मारती है और बोलती है, अपना मुंह बंद करो। फिर एक पुलिस वाला आकर उस ऑफिसर से बोलता है, कैप्टन डेप्यूटी डायरेक्टर चाओ यहाँ आ गए हैं, वो मास्टर फैंग और उसके ग्रुप को रिलीज कर रहे हैं। फिर वो ऑफिसर पीछे घूमकर बोलती है, क्या? फिर वो ऑफिसर उस पुलिस वाले से बोलती है, ठीक है मैं देखती हूँ। फिर यहाँ ज़मीन में बैठा हुआ बोलता है, मैं बच गया। फिर वो ऑफिसर उस पुलिस वाले से बोलती है, उस बच्चे को साथ में ले आओ। और वो पुलिस वाला बोलता है, हाँ कैप्टन। फिर वो पुलिस वाला यान को पकड़ कर ले जाता है और बोलता है, चलो यहाँ से। फिर मास्टर फैंग डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ से बोलते हैं, थैंक यू सो मच डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ, मैं आपके घर में कुछ गिफ्ट भेज दूंगा बाद में। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ मास्टर फैंग से बोलते हैं, आप कितने दानी हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। फिर वो पुलिस वाली बोलती है, डिप्यूटी डायरेक्टर हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है बार में, मुझे लगता है ये लोग कुछ इलीगल काम करते हैं, तो आप इसे रिलीज नहीं कर सकते हैं। फिर वो डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ उस पुलिस ऑफिसर से बोलता है, बात मत करो तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो, मिस्टर फैंग एक ईमानदार बिजनेसमैन है और वे सब इनके बॉडीगार्ड हैं, इनके पास फायर आर्म लाइसेंस है तो ये पूरी तरह से लीगल है। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ यान की ओर इशारा देते हुए बोलता है, हमारा असली टारगेट है वो बच्चा जो उधर में है, समझी? फिर मिस्टर फैंग बोलते हैं, हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ के पास अच्छी नज़र है, मैं एकदम श्योर हूँ अगर ये कानून मिस्टर चाओ के हाथ में रहा तो यह और बेहतर हो जाएगी। फिर मिस्टर चाओ बोलते हैं, तुम मुझे चढ़ा रहे हो। फिर वो ऑफिसर बोलती है, हमें पहले देख लेना चाहिए इन्हें छोड़ने से पहले, ये इतनी जल्दबाजी नहीं हो रहा है इसे छोड़ने पर। फिर मिस्टर चाओ उस ऑफिसर से बोलते हैं, कौन डिप्यूटी डायरेक्टर है, तुम या मैं? जितना बोला उतना करो, यान को पकड़ो और इसे जेल में डालो। फिर सारे पुलिस वाले यान को पकड़ने लगते हैं। फिर यान उस डिप्यूटी डायरेक्टर को बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, इसके बारे में पहले सोच लो डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ। फिर यान अपना फ़ोन निकाल कर लिखता है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, जल्दी से आओ। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ यान से बोलते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो बच्चे, गिरफ्तार करो इसे, मैं इससे पूछताछ करूँगा। फिर वहाँ के पुलिस वाले डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ की बातें सुनकर बोलते हैं, हाँ सर। फिर वो ऑफिसर बीच में आकर बोलती है, रुक जाओ। फिर वो ऑफिसर फ़ोन निकाल कर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ से बोलती है, मुझे एक नोटिस मिला है पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर से कि मैं इस केस की इंचार्ज हूँ, तो सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ गुस्से में आकर उस ऑफिसर से बोलता है, तुम किससे बात कर रहे हो कैप्टन यान, यहाँ का इंचार्ज कौन है? फिर वो ऑफिसर जाओ से बोलती है, ये पब्लिक मिनिस्टर सिक्योरिटी से ऑर्डर है। फिर वो ऑफिसर सारे पुलिस वाले से बोलती है, सारे पुलिस ऑफिसर मेरी बातें सुनो, गिरफ्तार करो फैंग टाओ को अभी के अभी। फिर उस ऑफिसर की बातें सुनकर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ गुस्से में लाल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपस में बोलते हैं कि हम किसकी बातें सुने। फिर एक ऑफिसर बोलता है, कैप्टन यान के पास एक नोटिस आया पब्लिक मिनिस्टर सिक्योरिटी से, वो सच से ही बोल रही होगी। फिर दूसरा ऑफिसर बोलता है, मैं एकदम श्योर हूँ कि कैप्टन यान झूठ नहीं बोल रही है, कि उन्हें एक नोटिस आया पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर से, ये सही नहीं होगा कि हम लोग उनकी बातें ना सुने। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर साहब उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग पुलिस ऑफिसर कैसे बन गए, तुम लोग कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो ये बेतुका ईमेल को देखकर। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ कैप्टन यन को बोलते हैं, मैं तुम्हें निकालता हूँ ये कैप्टन की रैंक से, यन लिंग जाओ। फिर अचानक से डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ के पीछे से कुछ आदमी बोलते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम यन लिंग जाओ को डिसमिस कर सको। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर चाओ पीछे घूमकर देखता है और उन्हें देखकर टेंशन में आ जाता है। फिर यहाँ उन लोगों को देखकर बोलता है, यूनेर ब्रदर लिन, यूनेर और लिन यहाँ को देखकर बोलते हैं यहाँ। फिर वहाँ पर पुलिस वाले सब बोलते हैं, ओ माय गॉड
यहाँ पर इतने सारे हाई रैंकिंग फिगर क्यों आ गए? फिर दूसरा पुलिस वाला बोलता है, ये मेयर सन टैंग हैबिन है, ये लिन फैमिली का जवान मास्टर है और वो जाओ फैमिली की बेटी है। ये सभी लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर डिप्टी डायरेक्टर जाओ मन में सोचते हैं, ये कुछ गलत हो रहा है, ये लोग यहाँ यान के लिए नहीं आया है ना। बे लुफी ने कहा था इस बच्चे का कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है। फिर मेयर का बेटा टैंग हैबिन बोलता है, मैंने सुना है कि तुम लोग मेरे भाई को तंग कर रहे थे, तुम में से कौन बुरा कर रहा था बताओ? फिर टैंग हैबिन की बातें सुनकर बोलता है, तुमने हमें बुरा कैसे कहा? फिर डिप्टी डायरेक्टर चाओ टैंग से बोलते हैं, बेहुदा मत बनिए मिस्टर टैंग, हम लोग इसे कानून से संभाल रहे हैं, हम लोग अच्छे आदमी को सजा नहीं देते हैं। फिर लिन डिप्टी डायरेक्टर चाओ से बोलता है, तुमने फैंग टाओ के बदले में मेरे मासूम भाई को गिरफ्तार किया है। फैंग टाओ जो अंडरवर्ल्ड का लीडर है, ये कैसे कानून की पालन हो रही है? फिर डिप्टी डायरेक्टर चाओ गुस्से में आकर लिन से बोलते हैं, बातें मत करो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। यंग मास्टर लिन, अगर आप मुझे बदनाम करना चाहते हो तो आपको लीगल कार्रवाई करनी होगी। फिर टैंग डिप्टी डायरेक्टर चाओ से बोलता है, ज़रा सावधान हो जाइए आप जो काम कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर चाओ, आप मत सोचिए कि आपने क्या किया है, किसी को नहीं पता है। फिर डिप्टी डायरेक्टर चाओ डरते हुए बोलता है, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं तुम्हारे झूठ से नहीं डरता हूँ। फिर टैंग फोन दिखाते हुए डिप्टी डायरेक्टर चाओ से बोलता है, ठीक है तुम्हें एविडेंस चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। फिर टैंग एक आदमी को फ़ोन करता है और बोलता है, बूढ़े जाओ तुम आप आ सकते हो इधर। फिर वो जाओ टैंग से बोलता है, मैं दरवाजे में हूँ और मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और वो जाओ अंदर आ जाता है और डिप्टी डायरेक्टर चाओ से बोलता है, चाओ डेंग डोंग तुम कमीने, तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, ये रहा मेरे पास है। फिर डिप्टी डायरेक्टर चाओ डरते हुए बोलते हैं, डायरेक्टर चाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर चाओ वो एविडेंस उसके मुंह पर मारते हुए बोलता है, पब्लिक मिनिस्टर सिक्योरिटी ने अभी कहा कि तुम उस लीडर से मिले हुए हो, तुम सस्पेंड हो चुके हो और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी। फिर वो बोलता है, कार्रवाई सस्पेंड? फिर मास्टर फैंग डिप्टी डायरेक्टर चाओ से बोलते हैं, ध्यान से देखना डिप्टी डायरेक्टर चाओ, कुछ गड़बड़ी मत करना। फिर डिप्टी डायरेक्टर चाओ गुस्से में आकर मास्टर फैंग से बोलता है, ये तुम्हारी गलती है। फिर मास्टर फैंग डरते हुए बोलता है, हाँ? फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। टाओ मास्टर फैंग को बोलता है, ये तुम्हारी गलती है फैंग टाओ, तुम्हें मैं मार दूंगा। फिर मास्टर फैंग जाओ से बोलते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे मारना बंद करो नहीं तो मैं भी मारने लगूंगा। फिर डायरेक्टर चाओ कुछ पुलिस वाले को बोलते हैं, इन्हें गिरफ्तार करो, और कुछ पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हुए बोलते हैं, हाँ सर। फिर यहान बोलते हैं, सही हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होता है अगर तुम हर सिटीजन को रोज उठाओगे तो। फिर यूनिट लिन और टैंक पीछे में खड़े होकर सोचते हैं, तुम क्या सामान्य सिटीजन हो क्या? तुम्हारे पीछे इतने सारे इम्पोर्टेंट लोग खड़े हैं, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? और सभी कोई यहान के पीछे शर्मिंदा से खड़े थे। फिर वो लोग पार्टी करने जाते हैं और बोलते हैं, चीयर्स। फिर यहाँ उन तीनों से बोलते हैं, बड़े भाई टैंग, बड़े भाई लिन और यूनेर, थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर टैंग यहाँ से बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, बेमो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, मुझे तुमसे मिलना था बहुत पहले से। फिर लिन यहाँ से बोलता है, तुम्हें शुक्रिया सिस्टर यूनेर को बोलना चाहिए, वो अपने परिवार का नाम तुम्हें बचाने के लिए बोली है, इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर से ये ऑर्डर गया था। फिर यहाँ लिन को बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूनियर को शुक्रिया कहने की, ये मेरी और यूनियर की अच्छे रिलेशनशिप है। फिर यूनियर यान को ढकेलते हुए बोलती है, हम लोग इतने नज़दीक भी नहीं है। फिर यान यूनियर को बोलता है, ये मजाक था, लेकिन यूनियर बहुत शर्मा जाती है। फिर टैंग बोलता है, चलो पीते हैं। फिर सभी लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे बोतल ख़त्म कर देते हैं। फिर यान बोलता है, चलो ब्रदर टैंग, ब्रदर लिन, चलो फिर से पीते हैं। फिर यान बोलता है,
तुम लोग पहले ही नशे में हो, हम लोग उतना पिए भी नहीं अभी तक, फिर लिन नशे की हालत में बोलता है। यान आप पीने में बहुत अच्छे हो, फिर यान अपने मन में सोचता है, ये हो सकता है कि मेरे पीने की क्षमता बढ़ गई है, तब से मैं QI रिफाइनमेंट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर यान यूनियर को पकड़ते हुए बोलता है, ये बहुत लेट हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। फिर लिन बोलता है, हाँ तुम सही बोले। फिर लिन टैंक को घसीटते हुए यान से बोलता है, टैंक है बिन और मैं जा रहा हूँ, मैं यूनियर को तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर यान बोलता है, हे तुम्हारा मतलब क्या है, रुक जाओ। फिर लिन यान को बोलता है, गुड लक। फिर यान गुस्से में बोलता है, गुड लक इसका क्या मतलब है। फिर यान यूनियर की ओर देखता है, यूनियर नशे की हालत में बोलती है, कितनी गर्मी है। फिर यान यूनियर को बोलता है, नहीं मत करो, हम लोग अभी बाहर में हैं। फिर यूनियर उल्टी कर देती है, हे यहाँ पर उल्टी मत करो, तुम क्या कर रही हो। फिर यहाँ यूनियर को रूम नंबर 303 में ले आता है। फिर यहाँ बोलता है, चलो मेरा कपड़ा धोना हो गया। यूनियर बेड पर बेहोश थी। फिर यहाँ बोलता है, कौन बोलता है ऐसा कि पी हुई लड़की को हैंडल करना बहुत ईजी होता है, ये सब बकवास बातें हैं। फिर यूनियर अपने कपड़े उतार देती है और बोलती है, कितने गर्म है यहाँ। फिर यहाँ अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर, क्या मैं आज रात को अपनी वर्जिनिटी लूज करूँगा। फिर यूनियर बेड पर घूम जाती है। जैसे ही यूनियर घूमती है, यहाँ के प्राइवेट पार्ट में उसका पाँव लग जाता है। यहाँ को अपना अंडर टूटने का फील होता है। फिर यहाँ जमीन में पड़ा हुआ बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था। फिर अचानक से यूनियर के फ़ोन में किसी का फ़ोन आता है। फिर यहाँ बोलता है, इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया। फिर यहाँ बोलता है, वो ओल्ड मास्टर जाओ है, उन्हें चिंता हो रहा होगा यूनियर की ना होने पर, यह अच्छा होगा कि मैं उन्हें बता दूँ।